हिंदी में पद्य गद्य नंबर एक जो भूल गद्य नंबर एक चलाएंगे। सबसे पहले धूल यानी कि मिट्टी के बारे में यही चर्चा की है। स्टैंडर्ड 9 रामविलास शर्मा उसके लेखक हैं। रामविलास शर्मा उसके लेखक हैं। स्टैंडर्ड 9 हिंदी सबसे पहले हम धर्म का परिचय जो है उसका देते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 1912 में हुआ था। उसकी प्रारंभ शिक्षा गांव में हुई और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने लखनऊ गए। वहां उसने अंग्रेजी में एमए किया और बाद में विश्वविद्यालय में उसी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक के नाते उसे अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक हो गए थे। ये पाठ है धूल। धूल यानी मिट्टी। मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं। जब कोई बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसे मिट्टी बहुत ज़्यादा उसे पसंद आती है। कभी कभी बारिश में जो धूल या मिट्टी की सुगंध आती है वो बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। बच्चों को खास करके वो उसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर इस मिट्टी में खेलना ज़्यादातर पसंद करते हैं। दूसरा इस पद्य में बताया है कि जैसे भोलेनाथ को भगवान शिव शंकर को जैसे मिट्टी से लिपा जाता है उसी प्रकार बच्चे भी अपने शरीर पर उसी मिट्टी लगा के बहुत खुश होते हैं। उसका रंग पसंद उसे बहुत पसंद आता है। तो आज हम इस पद्य में जो धूल पद्य पाठ है जैसे पद्य नंबर 1 है जो उसी का हम चलाएंगे उसी का अभ्यास करेंगे। तो रामविलास शर्मा उसके लेखक हैं। तो हम पाठ स्टार्ट करते हैं। सब स्टूडेंट अपनी बुक है वो खोल के रखना अपने बुक में ध्यान रखना। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। हिंदी कविता है। हिंदी कविता में सबसे सुंदर पंक्ति में से ये नहीं है कि जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। हीरे के प्रेमी को शायद उसे साफ सुथरा खड़ा हुआ आंखों में चक्का जो पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे। पर जो हीरे थे जो कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। हीरे के प्रेमी है वो तो हीरे को साफ सुथरा खड़ा हुआ करके उसको देख सकेंगे और उसको पसंद करेंगे। लेकिन इससे भी एक इतनी चीज है वो धूल के बारे में है। जिसका बचपन गांव के गलियारों के धूल में बीता हो वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। जिस का बचपन गांव में बीता हो वो ऐसा तो कभी नहीं बन सकता है कि वो कभी धूल में नहीं खेला हो सकता। जिसका बचपन गांव में ग्वालियर के धूल में बीता हो इस धूल से कभी बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं कर सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पाठ्य तो निखार देती है। जैसे कोई तो फूल है तो फूल के ऊपर जो रेणु है वो उसका शोभा यानी उसका श्रृंगार बनती है। उसी प्रकार जो बच्चा है तो बच्चे के शरीर पर जो मिट्टी होती है वही उसका निखार देती है उसको सुंदरता श्रृंगार करती है। अभिचार मन के प्रसाद सामने बड़े बड़े आविष्कार किए लेकिन बाद उसके मुंह पर छाई वास्तविक पौधों की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। अभिचार मन में आज लोगों ने बच्चों के लिए अलग अलग सामग्री बड़े बड़े आविष्कार किए हैं लेकिन सब धूल के बिना कुछ है नहीं। लेकिन धूल के बिना बच्चा कभी भी दूसरी जगह रहता नहीं। उसे ज्यादातर पसंद धूल में ही आती है। वही सुंदर है हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है इसलिए शिशु भोलेनाथ से कहती है धूल में मत खेलो।
हमारी सभ्यता यानी कि हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता हम लोग इस धूल से बचना चाहते हैं, इसलिए हम आसमान में घर बनाना चाहते हैं, इसलिए हम भोलेनाथ से कहते हैं हमारे बच्चों को कहते हो कि धूल में मत खेलो। भोलेनाथ के संसर्ग से उसकी नकली सन में सितारे धुंधले पड़ जाएंगे, भोलेनाथ के संसर्ग से उसके नकली सन में सितारे धुंधले, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि जो शरीर है वो शरीर मिट्टी के कारण उसके जो शरीर है वो भी फीका पड़ जाएगा। जिसने लिखा था धन्य धन्य वे है नर मेरे जो करत गात कटिया लगाए धुनी ऐसे लड़िका, उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठाना रखा था। धन्य धन्य है वे नर मेले जो करत गात कटिया लगाए धुनी ऐसे लड़िका की, उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में उसे कुछ उठा नहीं था। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया, फिर मेले शब्द से अपनी हित भावना भी व्यंजित कर दी, अंत में ऐसे लड़िकार करके उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया, वह हीरो का प्रेमी है दुल्ली पर हीरो का नहीं। जो बच्चा हीरो का जो होता है तो हीरो तो पहचान जाता है, लेकिन ये जो धूल बनी है ये हीरो को कभी धूल है उसको कभी ऐसा इसमें बड़प्पन की कोई बात नहीं है। शिशु भोलेनाथ के संसर्ग से तो मेले जो गलत गार की नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उनकाई भी आगे लगे, जो बचपन में धूल से खेला वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में संसर्ग कैसे वंचित कर सकता है, रहता जो उसका दुर्भाग्य बन गया यह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्टे से सिंचाई वहां मिट्टी जिसने देवता पर चढ़ाया जाता है, संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फूलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकाल उसकी मांस की सुगंध उठती है, आराम से वह हरा होता है, अखाड़े में विद्युत चारों खाने चित लेकर अपने को विश्व विजय लगाता है, मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ। तो शिशु भोलेनाथ के संसर्ग में आने से मेले जो गलत गाय की नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उनका ही आगे आने, जो बचपन में धूल में खेलता है वो आगे जाकर वो अखाड़े में भी खेलता है, बचपन में जो धूल में खेलता है वो आगे जाके अखाड़े में ही खेलता है, वही उसका एक जीवन है कि किस प्रकार वंचित रह जाता है, रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या, यह साधारण धूल नहीं है वरन तेल और मट्टे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है, ये मिट्टी को साधारण नहीं है उसे तो इस मिट्टी को तो देवता पर चढ़ाई जाती है, इसलिए लोग आज जब कुआ खोदते हैं तो उसकी मांसपेशी है वो भी फूल जाती है वो मिट्टी के कारण, आराम से वो हरा हो जाता है, दाल चावल खाने चित ले अपने को भी पीने लगे, मिट्टी उसको शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। इस प्रकार होता है शरीर और मिट्टी को लेकर संसार के हिसाब पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने साधन जीवन के लिए अनिवार्य है वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं, शरीर और मिट्टी को लेकर संसार के असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने साधन जीवन के लिए अनिवार्य है वे सब मिट्टी से ही है, जीवन में जितनी भी चीजों की जरूरत है वो सब हमें एक बात का ध्यान रखना, वो सब मिट्टी से ही बने हुए हुए हैं, वो सब मिट्टी से ही बने, जिन फूलों को हम अपने प्रिय वस्तु का उपहार बनाए वे सब मिट्टी का ही उपज है, जो हम जो फूल है वो फूल हम अपने उपहार के लिए अपनी सुंदरता के लिए उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उसकी उपज वो मिट्टी है, वो मिट्टी में ही बोए हुए मिट्टी से ही बने हुए हैं, रूप रस गंध स्पर्श इन्हें कौन संभव करता है, माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस है, रूप रस गंध और स्पर्श ये सब किसकी देन है, मानो हम मिट्टी और धूल में फर्क है उतना ही फर्क है जितना शब्द और रस में है, जितना शब्द और रस में देह और प्राण में है, जितना शरीर और प्राण में है, चांद और चांदी में है, मिट्टी और धूल में इतना फर्क है जितना शब्द और रस में, जितना शब्द और रस में देह और प्राण में चांद और चांदी में, मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रूप रंग की पहचान उसकी धूल से ही होती है, और मिट्टी को जो है वो उसकी जो पहचान है वो उसकी रंग रूप की जो पहचान है वो उसकी धूल से उसकी होती है, उस प्रकार उसको समझाया गया है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती, धूल वह जिसे वो
मधुर शब्द में हमने अमर कर दिया। अब्राहिम के पीछे छिपे हुए सूर्य के किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है, धूली सोने को मिट्टी कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रूई के बादल की तरह या ऐरावत के नक्षत्र पद की भांति जहाँ तहाँ सी रजनी चांदे रात में मेले जाने वालों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ा चली, जो शिशु के मुँह पर फूल पंखुड़ियों पर साकार चंद्र देव छा जाती दूर उसका नाम है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से दूर की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। दूर वह जिसे गोधूरी शब्द में हमने अमर कर दिया है। अमराय के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत लिंग पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रूई के बादल की तरह या ऐरावत के नक्षत्र पत्र की भांति जहाँ के तक स्थिर रह जाती है। चांदनी रात में भी मेले जाने वाली चांदनी रात झुंडम होती है। चांदनी रात में मेले जाने वाली जो गाड़ी के पीछे जो कभी कल्पना की भांति उड़ चलती है, जो शिशु के मुख पर फूल की पंखुड़ी पर साकार सुंदर बनकर छा जाती है, धूल उसका ही नाम है। तो ये उसके शब्द में उसको बताया गया है। तो जो ये गद्य है आगे हम चला देंगे। गोदी पर कितने कवि ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन ये गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी, एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली के मेला में आने का आग्रह किया गया, लेकिन शहर में दूर दफ्तर के होते हुए भी गोधूली कहा यह कविता की विडंबना थी और गाँव में भी जिस गोधूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी गुरु के पग पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन वो गोपाल की धूली है। गाँव में जो धूल उड़ती है वो धूल कोई हाथी या घोड़े से दौड़ने से ऊपर हुई भी नहीं है, लेकिन वो तो गौ गोपाल के पद की धूली है। वो हमारे जो भाई गोपाल है उससे उत्पन्न होने वाली ये धूली है। तो हम आज इतना ही चलाएंगे जो वरन गोपाल के पद की धूली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका जो शेष भाग है उसका वो हम चलाएंगे, स्वाध्याय भी हम उसी में प्रश्न अभ्यास को भी हम देख लेंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू।